चलो अभी आपको बता देते हैं आपके सवाल का जवाब। काफी लोगों ने कल बहुत सारे ने एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा था वो पूछा था, और मैंने कहा भी था कि मैं बताऊंगी कल वाले वीडियो में। तो पहले यहाँ दिखा देती हूँ मैं कि मैं पका रही हूँ यहाँ पे दलिया। पिछले 2 दिन हमने घर पे पकाया, बारिश थी, और क्योंकि अभी यहाँ पे ऐसा कोई सोर्स है नहीं, और देखो ऊपर पेड़ कितना सुंदर लग रहा है। तो हमने 2 दिन यहीं पे पकाया और घर में पकाया। अभी आज मौसम ठीक था तो मैं यहाँ को ले आई थी। और तो सोनिया कहाँ है, सभी लोगों ने यही क्वेश्चन पूछा था। और जो प्यार करते हैं पशुओं से या जिनको फिक्र होती है वो पूछते ही हैं, है ना। और देखिए क्या होता है, पशुओं का एक तो आना जाना लगा रहता है ना, कि एक वैसे हमने सोनिया अभी नहीं देनी थी, देनी थी मैंने, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद दे देना था मैंने उसको। लेकिन अचानक से परसों अचानक ही कोई आए यहाँ पे, उनको ना घर के लिए चाहिए थी ऐसी गाय जो थोड़ा सा दूध दे, थोड़ा मतलब 5-6 किलो तक दे दे, और प्रेग्नेंट भी हो। तो सोनिया भी प्रेग्नेंट थी, सिया अब दूध पीती नहीं थी उसका, क्योंकि अभी सिया 1 साल की हो गई है। तो उन्होंने बोला कि हमें ये चाहिए, मतलब हमें बहुत ज़रूरी है। और पहले फ़ोन पे बात कर ली थी कि मैंने बोला कि मतलब आप कहीं और देख लो भाई, बोलते नहीं। और सोनिया का दूध इतना अच्छा था ना, इतना गाढ़ा दूध था ना, इस गाय का भी नहीं है, नंदा का ऐसा दूध नहीं है अभी। और इनका दूध पतला है, लेकिन क्या होता है ना, इनका पतला नहीं, इनका भी ठीक हो जाता है। अगर इनको हम अच्छा खिलाते हैं, जौ कणक वगैरह खिलाते हैं, तो इनका दूध भी अच्छा हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि हमें ऐसे, क्योंकि ये साहीवाल क्रॉस मतलब मिक्स जैसी थी जो हमारी सोनिया थी, तो उनको घर के लिए, बच्चों के लिए या बुजुर्ग जो भी थे घर में, तो उनको दूध चाहिए था। और अभी मुझे भी लेनी, अब हमें भी लेनी पड़ेगी। गाय तो वैसे भी लेनी थी हमने, सोनिया नहीं भी जाती तब भी लेनी थी। लेकिन क्या है ना, ये पशुओं का जो आना जाना है या बदलाव है वो सभी करते हैं, मतलब थोड़े दिनों बाद। ऐसा नहीं है कि एक दो ही पशु सबके पास रहते हैं या कुछ भी जैसे। लेकिन हाँ एक बात मैं यहाँ पे बोलूँगी, सबको मैं बोलती हूँ हमेशा और बोलना चाहूँगी, कि जो पशु दूध नहीं देते या किसी कारणवश बीमार हैं उनको कभी मत दो। ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं भी ऐसा कभी नहीं करती कि जो पशु बीमार हैं या उनको कोई प्रॉब्लम है तब नहीं देना चाहिए। जब फ्रेश है पशु तो आप उसको दे सकते हैं, दे दीजिए मतलब, और ये देना ज़रूरी होता है। और अभी मैं एक नई गाय लूँगी, आपको फिर से जल्दी से 2-3 गायें देखने को मिलेगी यहाँ पे। दो क्या मतलब, मैं धीरे धीरे करके अभी इतने क्योंकि गाय बहुत महंगी है। अगर बाहर की लेनी, अगर मतलब भारत की नस्ल जैसे हमारी अपनी देसी गौवंश करना हो तो वो तो 1 लाख से ऊपर की है, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000। तो साहिवाल जो है वो बहुत महंगी है, यहाँ पे वो मिलती भी नहीं, और इतनी महंगी अभी मैं ले भी नहीं सकती, मैं सच्ची बात बता रही हूँ। लेकिन हाँ जो ये है दूसरे वाली, देखते हैं जो भी हमें मिल जाती है। और रही बात बिलायती नस्ल की या किसी भी ऐसी चीज़ की, तो ऐसे होता है कि पशुओं को, पशु कहते हैं पेट में जड़ें होती हैं, सही बात है, बुजुर्ग कहते थे कि पेट में जड़ें होती हैं। उसका उनका मतलब ये होता था कि पेट अगर निग्गर है, पेट में अगर ढंग का खाना जा रहा है, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है, तो सब कुछ सही है अगर ढंग का खाना जा रहा है। तो इनको भी जैसे जौ चने अगर ऐसी चीज़ें हम खिलाएंगे तो वे ताकतवर चीज़ें होती है, तो उनका दूध भी ताकतवर होता है। फिर हम चाहे बेचें चाहे अपने लिए रखें, तो दिखती बात है कि वो सबके लिए अच्छा होता है। और तो सोनिया चली गई, और कब मैंने वीडियो भी नहीं बनाया, कल पिछले कल दे दिया, मैं आई भी नहीं थी यहाँ पे। मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैं पशुओं से ना कुछ ज़्यादा ही प्यार करती हूँ, पता नहीं क्यों, जानवर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। और मैं आई भी नहीं यहाँ पे, हमने कोई वीडियो बिल्कुल नहीं बनाया। हन्नी के पापा आए थे, उन्होंने लोड करी थी, और परसों हुई थी बातचीत, और आए थे वो देखने परसों। तो हमने जो है, उन्होंने मतलब ये बोला कि हमें चाहिए, हमें चाहिए। और आप पूछेंगे आप कितने की दे, कि तो आप ये सोच लो कि मैंने ऐसे ही दे दी, फ्री दे दी, ये समझ लो कोई गरीब आदमी था, और तो हमने मैंने ऐसे ही दे दी हमने मतलब। और अभी एक और गाय लेंगे, अभी अपने आप लेनी होगी तो बड़ी दिक्कत होती है। अभी उसका मतलब चेक नहीं हमने करवाई थी, प्रेग्नेंट का मतलब हमें लगता था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी पक्का नहीं उसका था ऐसा कुछ कि है वो, लेकिन हमें लगता था क्योंकि पशुओं के बीच में रहते तो हमें हो जाता है ना अंदाजा कि नहीं है पशु। चलो कोई बात नहीं, तो ये थी बात। मुझे नहीं पता लोग क्या क्या कमेंट करेंगे, लेकिन मैंने उनकी भी परिस्थिति देखी, और मुझे उसका कोई घाटा नहीं था यहाँ पे रख के। और परसों के बाद मैं सच्ची बात बता रही हूँ ना, कल भी ना बच्चों ने भी नहीं दूध पिया, और मुझे भी चाय भी नहीं अच्छी लग रही है, क्योंकि इसका भी ताज़ा सुई है, इसका दूध बहुत पतला है, इसको खिलाना पड़ेगा, इसको खिलाना पड़ेगा। फिर पहले
ढंग का तो मैंने रखा है, हमने अभी तो गेहूं का दलिया ही खिला रहे हैं, देखो यही चला हुआ है डे नाइट दोनों टाइम। तो सुबह शाम मतलब डे नाइट नहीं, तो ऐसा था। और मतलब जानवर है ना, कोई भी बाहर का यहाँ का नस्ल का फर्क नहीं होता, उनको जो हम खिलाएंगे ना वही हम उनसे लेंगे। डिपेंड करता है कि हम क्या खिलाते हैं अपने पशुओं को, क्या हम देते हैं, उनकी खुराक क्या है, उनकी डाइट क्या है, वैसा ही हमें दूध ताकत, जैसी ताकतवर चीज उनको हम खिलाएंगे वैसी हमें दूध के जरिए मिल जाती है। और मौसम अभी फिर से गंदा हो रहा है और मुझे लगता है कि शायद कल को फिर से बारिश हो जाए। तो ये था आपके सवाल का जवाब। और अंदर जो मैंने एक बनाया हुआ ना, अंदर छोटा सा कमरा, आप बोल रहे थे कि उसमें तो पशुओं को ना आगे बहुत जगह है खुली, पीछे ना हमारे यहाँ पे फीड वगैरह रखने की प्रॉब्लम थी। मतलब अगर मान लो पशु यहाँ पे, हम यहाँ भी रुक जाते हैं रात को, तो वहाँ पीछे एक बेड लगा हुआ है। और पशुओं की देखभाल तो बहुत ज़रूरी है ना, जब तक हमारा ऊपर नहीं बन जाता, ऊपर भी बनाएंगे, काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया था कि ऊपर बनाओ, तो ऊपर घर बनाना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऊपर घर बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। और तो अभी कर लेते हैं कुछ काम, मतलब कमा लेते हैं, उसके बाद जो था मैंने यूट्यूब का तो जो था वो तो लगा दिया इसके ऊपर, जो भी था यूट्यूब से जो बना था वो हमने लगा दिया। कुछ लोगों ने हेल्प भी करी और गायों के लिए भी हेल्प करी, तो ये वजह थी। और मैं क्या बोलूँ, और मैं कुछ नहीं बोल सकती। और बस अभी 6 बज रहे हैं,